हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को मेरा। एक बार फिर से मैं आपके हमारे चैनल सिलेक्शन मेंटोर में स्वागत करती हूँ। तो जैसा पता है गाइज, आप आज हमारा फोर्थ सेशन है। इससे पहले के तीन वीडियोस अपडेट हो चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हों तो प्लीज़ उनको वीडियोस को देखिए। उसका जो लिंक है वीडियोस का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। वहाँ पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, PDF हैं, वीडियोस हैं, तो आप वहाँ जाकर उनको देखिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और डेली अपडेट रहिए हमारे चैनल से। और अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को डेली देखा करिए। अगर आपको हमारा वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइज, आप कमेंट कीजिए हमें आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हम लोग आगे के इसी तरीके से सारे वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए, आज जैसा कि 17 जून है, 17 ऑफ जून है कल, तो आज का जो हमारा सेशन है, हम लोग मोटिवेशनल कोड के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है हमारा कि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों नाम है। क्या है गाइज? आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों नाम हैं। तो देखिए गाइज, इसमें बहुत सही बात बोली है कि आप अगर मेहनत करेंगे तभी आपका नाम होगा, तभी आप फेमस होंगे। तो कई बार क्या होता है, कई बार हम लोगों को सक्सेस मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार हम लोग फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, अप डाउन्स आते रहते हैं। तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए। आज नहीं, कल नहीं, आपको कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप उस सक्सेस के लायक हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं उस दिन इसके लायक हो गया हूँ, तब उस दिन पक्का आपको वो सक्सेस मिल जाएगी। जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी, आपका नाम होगा, लोग बाग आपको नाम से पहचानेंगे, आप सब जगह पब्लिसिटी होगी आपकी। तो देखिए, इसमें यही बोला है कि आपकी मेहनत ही आपको नाम दिलाएगी, आपको फेमस करवाएगी। मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली कंटिन्यूटी बनाइए अपनी। और ठीक है, हमारे जो वीडियोस है इसको डेली देखा करिए। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी एवरेज रहता है क्वेश्चंस का। जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, बैंक्स हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, SBI हैं, SBI PO क्लर्क है, FCI के जो मेंस में काफ़ी वेटेज रहने वाला है इसका। और ये पर्टिकुलर किसी SBI के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स है। सभी करंट अफेयर्स का जो लेवल होता है वो सबका एक ही होता है, सभी में एक ही जैसा करंट अफेयर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग करंट अफेयर है अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए, नेक्स्ट जो आज का सेशन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो कौन से देश के जो प्रेसिडेंट हैं, किस देश की प्रेसिडेंट ने किर्गिस्तान जो कंट्री है का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो मैं बता देती हूँ गाइज आपको, इसका आंसर है चाइना। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, क्या नाम है इनका, शी जिनपिंग, इनको किर्गिस्तान के बिश्केक, कल के क्वेश्चन में मुझे ध्यान है, मैंने कल के क्वेश्चन में एक आपको ध्यान होगा देखा होगा तो आप लोगों ने हमारा वीडियोस, तो बिश्केक है जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है, यहाँ पर ये समारोह हुआ था, जहाँ पर शी जिनपिंग को जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इनको मानस, कौन सा पुरस्कार, मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री से सम्मानित किया गया है। ये उन्हें SCO शिखर सम्मेलन से पहले जब वो किर्गिस्तान के दौरे पर गए थे, यात्रा पर गए थे, उस दौरान इनको सम्मानित किया गया था। जो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सोरोनवे जीनबेकोव हैं, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सोरोनवे जीनबेकोव ने, उन्होंने कहा था कि जो बहुत टाइम से चीन और जो किर्गिस्तान है काफ़ी लंबे समय से ये समर्थन करता आ रहा है, तो ये किर्गिस्तान इसके जो समर्थन को कभी नहीं भूलेगा। और ये वो चाहते हैं, उनका उम्मीद है कि उनका यह भी मानना है कि इस बार भी शी जिनपिंग है जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, कि यात्रा है, उन्होंने जो दोनों की यात्रा करी है, वो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों के बीच में एक नया ही चैप्टर, कुछ नया ही चैप्टर खोल के लेके आएगी, तो ये जो कि दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो आया गाइस, इसका आंसर है, आपका पूछा गया था कौन से देश के राष्ट्रपति को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा आपका चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में जो BDL कंपनी है, BDL एक कंपनी है, इसने किसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, कौन सी आर्मी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? तो बता देती हूँ गाइस, जो BDL है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म है आपकी इसकी
भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक जो लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म है, ये कंपनी ने क्या करा है कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार हम पता चला है कि जो BDL के जो डायरेक्टर हैं NP दिवाकर, इन्होंने जो डिफेंस मिनिस्ट्री के संयुक्त सचिव हैं और डिफेंस और जो क्रय प्रबंधक हैं, क्या नाम है उनका, डिफेंस मिनिस्ट्री के सचिव और क्रय प्रबंधक जिनका नाम है निधि छिब्बर, इन्होंने दोनों ने साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है जिसके तहत ये जो BDL कंपनी है जो इंडियन नेवी को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हथियार सौंपेगी, इनकी आपूर्ति करेगी, जिसमें एक वरुणास्त्र टारपीडो भी है, जिसका जो वरुणास्त्र टारपीडो का जो बजट रखा गया है, देखिए मैंने यहाँ पर एक इसका पिक्चर भी ड्रॉ कर रखी है, जो वरुणास्त्र टारपीडो है इस वरुणास्त्र का ही है ना जो बजट है टोटल अभी तक 1187.82 करोड़ रखा गया है, तो इसी के लिए इन्होंने साइन किया है। ये जो कंपनी है 42 दिनों के अंदर अंदर अपने हथियार आपूर्ति कर देगी नेवी को, जो कि मोर पावरफुल हथियार होंगे, और इनका जो वरुणास्त्र है इसका जो टारगेट है ये अपने टारगेट को खुद से डिसाइड करेगा, टारगेट जो भी इसका लक्ष्य होगा ये खुद टारगेट करेगा, ऐसा इसमें डिजिटल टेक्निक को रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो फोर्ब्स ग्लोबल लिस्ट में कितनी इंडियन कंपनीज को इंक्लूड किया गया है, फोर्ब्स है, देखिए इसमें मैं बता देती हूँ, जो फोर्ब्स ग्लोबल लिस्ट में हमारी जो इंडियन है कंपनी है 57 कंपनीज़ को लिस्टेड किया गया है, जिसमें से जो 57 में से जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इसका जो रैंक है वो 71 रैंक है। ये जो फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया में 2000 बड़ी कंपनियों के बीच में कंपटीशन हुआ था गाइस, जिसमें से हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इसमें 71 रैंक है उसकी। और आपको मैं बता दूं कि इस लिस्ट में हाउसिंग फाइनेंस फील्ड में भी जो सबसे बड़ी कंपनी है हमारी जो इंडिया की HDFC है, HDFC लिमिटेड है, उसको दुनिया की टॉप 10 कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियों में शामिल किया गया है। तो इसमें यही पूछा गया कि हमारी कितनी फोर्ब्स लिस्टेड में ग्लोबल लिस्टेड में कितनी कंपनियों को लिस्टेड किया गया है, तो आंसर होगा आपका 57। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्नाटका की कौन सी ग्राम पंचायत में पहला सौर ऊर्जा संचालित की गई है। तो पहली सौर ऊर्जा हमारी है कौन से गांव में है, अमासेबुल, जो कि कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलोर में है ये ग्राम पंचायत अमासेबुल है। तो यहां पर क्या किया गया है कि पहला सौर ऊर्जा संचालित किया गया है, मैं बता दूं गाइस इस ग्राम पंचायत में टोटल 1800 घर हैं, तो और जो टोटल 1800 घर हैं जहाँ पर ये पहला सौर ऊर्जा स्थापित किया गया, इसका टोटल बजट अब तक 2.313 करोड़ आ चुका है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जिसे मैं आपको कर्नाटका के बारे में बता दूँ, कर्नाटका के अबाउट है, कर्नाटका की कैपिटल है जो कि हमारी बेंगलोर है, और यहाँ की कर्नाटका के जो गवर्नर हैं जो भी हाल फिलहाल में वाजुभाई वाला हैं, और कर्नाटका के जो CM हैं HD कुमार स्वामी हैं। तो गाइस ये तीनों चीज़ें याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वापस बता देती हूँ, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर है, गवर्नर वाजुभाई वाला हैं, और जो इनके CM हैं HD कुमार स्वामी हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने एग्रीकल्चर एंड रेलवे प्रोजेक्ट के लिए घाना मोजेम्बिक के साथ में $245 मिलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। तो गाइस इसका आंसर होगा आपका एग्जिम बैंक। देखिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है इसके आंसर के बारे में, तो मैं ये आपका आंसर है आपका क्वेश्चन है आपका, आप हमारे वीडियोज़ को अगर पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि एग्जिम की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है। और एक चीज़ और पूछनी है यहाँ पर, एक चीज़ का आंसर और बताइएगा क्वेश्चन का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो चलिए नेक्स्ट है जो कि इसमें पूछा था कौन से बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, इसका आंसर होगा एग्जिम बैंक। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन गवर्नमेंट ने निम्न में से कौन सी सिटी में हमारा जो क्या है डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी को स्थापित कर रही, कौन सी सिटी है इंडिया की, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पर हमारा डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी स्थापित होने जा रही है। तो गाइज आपका आंसर है इसका बेंगलुरु। अब बेंगलुरु क्या है, कहां की कैपिटल है, ये मैंने आपको जस्ट अभी दो क्वेश्चन पहले ही बताया है, बेंगलुरु जो कि आपको पता है कर्नाटका की कैपिटल है,
कर्नाटका के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये आप उस क्वेश्चन में जाके देखिएगा और याद भी कीजिएगा। तो उसमें पूछा है कि कौन से सिटी में हमारा जो डिफेंस स्पेस रिसर्च है जो स्थापित होने जा रहा है, आंसर है आपका सी बेंगलुरु, आंसर है आपका सी बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हायर स्टडीज़ के लिए। जो अमेरिकी जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे हैं जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग भी अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी स्टडी करें, तो इंडियन स्पेशली इंडियंस बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ के इंडियंस स्टूडेंट्स की मदद के लिए, हेल्प के लिए, वहाँ की स्टडी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए एक ऐप बनाई गई है, जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, इंडिया और अमेरिकी एम्बेसी के अनुसार, एम्बेसी के अनुसार एक ऐप को डेवलप किया गया है। उस ऐप का क्या नाम है? तो उसका ऐप का नाम है गाइज आपका एजुकेशन यूएसए। मैं बता दूँ गाइज ये एजुकेशन यूएसए है, ये आपको इंडिया अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों जो भी इच्छा रखते हैं वहाँ पर पढ़ने, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो जिसका नाम है एजुकेशन यूएसए, यह एक ऐप है, अमेरिका में स्टडी के बारे में बहुत बड़े लेवल पर आपको जानकारी देगी, नए नए अपडेट्स कराती रहेगी। तो इसमें पूछा था कि उस ऐप का नाम क्या है, जो कि आपका आंसर है एजुकेशन यूएसए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 8 है, सौरभ कोठारी निम्न में से किस खेल से जुड़े हैं? तो ये रिसेंट क्वेश्चन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। सौरभ कोठारी हैं जो कि स्नूकर थे, एक स्नूकर हैं, स्नूकर एक गेम होता है जिन्होंने, ये सौरभ कोठारी हैं, विश्व बिलियर्ड्स जो कि चैम्पियनशिप में अपना खिताब जीता था, जो कि स्नूकर हैं। इसमें यही पूछा गया है कि कौन से खेल से ये जुड़े हुए हैं, तो आंसर होगा आपका स्नूकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो देखिए ये तो बहुत रिसेंट क्वेश्चन हो गया, कल ही का क्वेश्चन है ये, कि हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 किसके हाथ में गया है, कौन ने, किसने इसको जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे शिवानी यादव, बी है श्रेया शंकर, सी है सुमन राव, डी है अनुकृति व्यास। तो गाइज आपका आंसर है, सबको पता होगा, मिस इंडिया जो 2009 है, फेमिना मिस इंडिया जो सुमन राव के हाथ में गया है, इन्होंने इसका खिताब जीता है, जो इनको जो ये क्राउन है ये लास्ट ईयर 2018 की फेमिना मिस इंडिया विनर जो रह चुकी हैं अनुकृति दास, अनुकृति दास ने इनको ये क्राउन पहनाया था। चलिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया है, लेकिन दो क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पर, कि जो मिस इंडिया यूनाइटेड जो कॉन्टिनेंट्स है ये किसने जीता है, कॉन्टिनेंट्स ये किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा गाइज आपका शिवानी यादव। शिवानी यादव ने इसी प्रोग्राम में जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 है, इसमें क्या जीता है, यूनाइटेड मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स का खिताब जीता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन और है गाइज कि जो कि छत्तीसगढ़ की हैं शिवानी, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ की हैं जो शिवानी हैं, इन्होंने, शिवानी ने क्या किया, ब्यूटी पेजेंट के ग्रैंड फिनाले में फेमिना ग्रैंड मिस इंडिया 2019 को जीता है। तो चलिए गाइज यहाँ से दो क्वेश्चन बन चुके हमारे, पूछा गया था आपकी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 किसने जीता है, तो आंसर होगा आपका सुमन राव, ध्यान रखना गाइज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 आज का, जो आईसीसी के जो नए सीईओ बने हैं, आईसीसी की फुल फॉर्म देखिएगा पहले, तो यहाँ पर आईसीसी की फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आईसीसी की फुल फॉर्म क्या, देखो हिंदी में तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, तो इंग्लिश में भी है यहाँ पर, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग आईसीसी की फुल फॉर्म है, जो कि इसके सीईओ, नए सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका मनु सानवे, क्या नाम है इनका, मनु सानवे है, जो कि आईसीसी के नए सीईओ बने, इन्होंने अभी जो एक्स सीईओ डेविड रिचर्डसन की जगह ली है, इनकी जगह पर ये सीईओ बने हैं। आपको मैं बता दूँ गाइस कि जो डेविड रिचर्डसन है अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप में जुलाई तक जुड़े रहेंगे, जो कि लास्ट जो मैच होगा हमारा वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले वर्ल्ड कप में तक जुड़े रहेंगे, तो इन्होंने रिचर्डसन की जगह पर लेकर इन्होंने मनु साहनी ने आईसीसी के जो ये सीईओ बन गए हैं। पूछा यही गया था आईसीसी के नया सीईओ का पदभार किसने संभाला है, तो आंसर होगा आपका मनु साहनी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11 है टेक बी. टेक बी एक नेम है. इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी कंपनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी है, जो कि किस कंपनी के द्वारा 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को नियुक्त और प्रशिक्षित करने की पहल है, जो कि 12th पास बच्चे हैं उनको ये क्या करेगी, ट्रेन करेगी, हायर करेगी. तो कौन सी कंपनी के द्वारा जो ये किया गया, कौन सी कंपनी है जो 3 छात्रों को नियुक्त, ट्रेन करेगी, हायर करेगी. तो गाइस आपका आंसर है इसका SCL. तो SCL है ये क्या करेगी कि कंपनी की तरफ से एक ये पहल है जिन्होंने क्या कराया, जिसके तहत वह अपने कई स्टेट्स में जो प्लस टू स्टूडेंट्स हैं, प्लस टू का मतलब 12, 10+2 हैं, पूरा कर चुके हैं अपनी पढ़ाई को, छात्रों को जो पहले तो ट्रेनिंग देगी और अपने यहाँ नौकरी देती है. ये पहले से ही देती है ये कंपनी. तो उसमें यही पूछा है कि कौन सी कंपनी है जो 12+ छात्रों को हायर करेगी, वहाँ से उनको ट्रेन करेगी. तो आंसर है आपका गाइस SCL. SCL आपको पता होगा IT कंपनी में से बहुत बड़ी कंपनी अपने आप में मानी जाती है SCL कंपनी. तो चलिए देखिए इसका नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है हमारा. क्वेश्चन आज के बस मैं यहीं पर हमारा सेशन यहीं पर एंड करती हूँ. कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मैं दे रही हूँ, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना. क्वेश्चन 1 है हमारा जो विटी कल्चर क्या है, आंसर देना है इसका गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आंसर कीजिएगा. विटी कल्चर किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ एप्पल, प्रोडक्शन ऑफ पीस, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, प्रोडक्शन ऑफ गोवा. ठीक है. तो और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो दोनों अभी जो क्वेश्चन दे रही हूँ ये रिसेंटली नहीं है, बट थोड़ा सा ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ये हिस्ट्री से है क्वेश्चन, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए आपको. जो विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उन्होंने अपना स्पीच कौन से ईयर में दिया था. व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस इन शिकागो सिटी. तो ऑप्शन नंबर 1 है 1897, 1895, 1894 एंड द आंसर इज 1893. तो चलिए गाइस इसका आंसर बताइएगा आप हम लोगों को. और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. आपको हमारे कमेंट्स नहीं आते हैं आप लोगों के, आप कमेंट्स कीजिए, जिससे हम लोगों को पता चलेगा, हम लोग आगे और अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर आपको वीडियोस बनाएंगे. हमें होप्स हो आपको हमारा जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहे. तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग. तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं हम लोग. तो गुड नाइट, टेक केयर.